हेलो एवरीवन, वेलकम टू नावर गाइस। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं क्विक रिकैप कि पिछले एपिसोड में हमने देखा क्या। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गार्डियन सिटोपिया नाम के एक प्लेनेट से एक बॉक्स चुराते हैं और वो उस बॉक्स को लेकर अपने बायर ग्रैंड मास्टर को देते हैं और वहाँ ग्रैंड मास्टर उन्हें कलेक्टर के वहाँ से हुजेडेरियन मेनेरेक नाम का एक अंडा चोरी करने का मिशन देता है और तब गार्डियंस वहां से अपने मिशन की ओर रवाना हो जाते हैं। सो अब आगे गार्डियंस की शिप के अंदर स्टारलॉर्ड रॉकेट से कलेक्टर के बारे में पूछता है कि आखिर कलेक्टर रहता कहाँ है और उसका कलेक्शन कहाँ है और क्या वहाँ चोरी करना आसान है कि नहीं। इस पर रॉकेट उससे कहता है, पहले किसी को पता नहीं था कि कलेक्टर एक्चुअली रहता कहाँ है, पर हाल ही में मौजू के लाइव शो में कलेक्टर के बेस का एक टूर दिखाया गया था। तो गाइस, आपके मन में ये सवाल होगा कि अब ये मौजू कौन है। तो बेसिकली गाइस, ये एक एलियन है जो कि मौजू बार्स नाम के एक पॉकेट डायमेंशन से आया है और वो पूरे यूनिवर्स में टीवी ब्रॉडकास्ट करता है और वहाँ अलग अलग शो दिखाता है और इन्हीं में से ही एक शो उसने कलेक्टर के बेस के ऊपर भी बनाया था। तो अब गाइस कंटिन्यू करते हैं। फिर रॉकेट सभी को कलेक्टर के बेस का प्रोजेक्शन दिखाता है जहाँ वो कलेक्टर के बेस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है। वो कहता है कि कलेक्टर का बेस एक मिनी एसगार्ड की तरह है जो कि हजारों क्रिस्टल से घिरा हुआ है और उन क्रिस्टल में कुछ मैग्नेटिक माइंस हैं, कुछ डेटोनेटर्स हैं और कुछ में फिफ्थ डायमेंशनल क्रिएचर्स हैं। सो इन क्रिस्टल में से होकर जाना पॉसिबल नहीं है। फिर वो कलेक्टर के बेस के वेपनरी सिस्टम के बारे में कहता है कि उसके बेस में जितने भी गन्स लगे हुए हैं वो सभी मैनुअली ऑपरेट होते हैं, यानी इसे हैक करने का भी कोई चांस नहीं है। और फिर रॉकेट कलेक्टर के बेस के अंदर की सिक्योरिटी के बारे में कहता है। वो बताता है कि उसके अंदर की भी सिक्योरिटी बहुत टाइट है और वहाँ के सारे कमरे और दरवाजे एक पजल की तरह मूव करते हैं, साथ ही वहाँ कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशनल घोस्ट भी सिक्योरिटी देते हैं और ऐसा कहा जाता है कि वो घोस्ट लोगों के अंदर के सबसे बड़े डर को बाहर निकाल कर उन्हें डरा सकते हैं। तो ये सब सुनकर स्टारलॉर्ड कहता है, तो हम वहाँ कभी घुस नहीं सकते। पर तभी गमोरा एक कमाल का प्लान बताती है। वो कहती है कि तो जैसा कि स्टारलॉर्ड पहले रेवेजर्स था तो उसके कई सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कि स्मगलर हैं और उनमें से भी कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि यूनिवर्स के एंटीक प्रीशियस आर्टिफैक्ट्स और एंडेंजर स्पीसीज को कलेक्टर को सप्लाई करते हैं। तो गमोरा के कहने का मतलब ये है कि स्टारलॉर्ड अपने दोस्तों से कहकर चुपके से उन्हें भी कलेक्टर के वहाँ कोई स्मगल की हुई आइटम के साथ पहुंचा दे। सो ठीक ऐसे कलेक्टर के बेस में एक बड़ा सा डोगी टाइप क्रिएचर को लाया जाता है जहां कलेक्टर के गार्ड्स उस क्रिएचर के चेंबर को पूरी तरह से स्कैन करते हैं पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता। फिर हमें वहां गार्डियंस की पूरी टीम को दिखाया जाता है जो कि उस क्रिएचर के पोटी में छुपे होते हैं और जब सारे गार्ड वहां से हटते हैं तब सारे गार्डियंस उस क्रिएचर की पोटी से निकल जाते हैं और रॉकेट अपने लेजर से उन चेंबर की ग्लास खोलकर ड्रेक्स को देता है। पर तभी ड्रेक्स गलती से वो ग्लास उस बड़े से क्रिएचर पर फेंक देता है और वो क्रिएचर डर के मारे भागने लगता है, जिससे वहाँ के सारे गार्ड्स को गार्डियंस के होने का पता चल जाता है और वो सभी गार्ड्स गार्डियंस पर गोलियां चलाने लगते हैं। और फिर हमें गार्डियंस और उन गार्ड्स के बीच एक धमाकेदार फाइट सीन दिखाया जाता है और देखते ही देखते गार्डियंस उन सभी गार्ड्स को मार डालते हैं। उसके बाद वो उस कमरे की ओर जाते हैं जहाँ हुजेडेरियन मेनेरेक का अंडा रखा होता है और फिर उस कमरे के अंदर उस अंडे का साइज देखकर स्टारलॉर्ड और ड्रेक्स शॉक्ड हो जाते हैं। खैर, फिर वो उस अंडे को लेकर वहाँ कलेक्टर के एस्केप मॉड्यूल ढूंढने में लग जाते हैं ताकि वो वहाँ से निकल पाए। पर तभी वहाँ कलेक्टर के घोस्ट आ जाते हैं और वो स्टारलॉर्ड, रॉकेट, ग्रूट और गमोरा को अपने पावर्स से उनके सबसे डरावने डर को दिखलाते हैं। और जब वो घोस्ट ड्रेक्स के ऊपर अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं तब ड्रेक्स को कुछ भी नहीं होता, उल्टा ड्रेक्स जोर से चिल्लाकर खुद ही उन घोस्ट को डराकर भगा देता है और फिर सभी गार्डियंस वापस से ठीक हो जाते हैं। पर उन्हें इतना ढूंढने के बाद भी कलेक्टर के वहाँ कोई एस्केप मॉड्यूल नहीं दिखता है और फिर वो वहाँ ऐसे ही भटकते भटकते एक अंधेरे कमरे की ओर पहुँचते हैं जहाँ रॉकेट को यह लगता है कि इस कमरे के पीछे एस्केप मॉड्यूल हो सकता है। सो इसलिए वो वहाँ गोलियाँ चलाने लगता है। पर तभी वहाँ एक रोशनी चमकती है और वो पूरा कमरा गायब हो जाता है और तब हमें ये पता चलता है कि सभी गार्डियंस कलेक्टर की उंगली में खड़े हैं जहाँ कलेक्टर उनसे कहता है, तुम लोग यहाँ इसलिए जिंदा हो क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम यहाँ से चुराना क्या चाहते हो और अब मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ हुजोडेरियन मेनेरेक के अंडे के लिए आए हो और जितना मुझे पता है
तो यह अंडा ग्रैंड मास्टर के फेवरेट आइटम में से एक है। सो अब तुम सबको मारने के बाद मैं ग्रैंड मास्टर को जरूर फोन करूंगा। सो गाइस हमें यह पता चलता है कि कलेक्टर को पहले से ही पता था कि उसके वहाँ गार्डियंस आए हैं और वही उन्हें हुजोडोरियन मेनेरेक के अंडे को चुराने दे रहा था, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर गार्डियंस उससे चुराना क्या चाहते हैं। सो गाइस फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से वो दूर दराज के प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं उस आदमी को ट्रॉली में खाना लाते हुए, और फिर हम वहाँ देखते हैं ग्रूट जैसे क्रिएचर्स को जो कि उस खाने को खाते हैं। तो गाइस इस सीन से हमें ये पता चलता है कि वो आदमी आखिरकार ग्रूट जैसे क्रिएचर्स को बनाने में कामयाब हो गया है, पर उसका असली मकसद क्या है यह अभी भी यहाँ पता नहीं चल पाया है। सो गाइस बस यहीं पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का दूसरा एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे धमाकेदार कंटेंट के लिए नोवेयर को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।